140 अरब और सिनेमा से इतर जब सियासत को समझिएगा तो हम आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान का दलित किस आश्रय जीता है, किस आश्रय रहता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मानिया बहन जी, आप संघर्ष करें। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। जो शाख नाजुक सी आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। संसद तक पहुंचना है तो फिर दलित की फिक्र और मुस्लिम तुष्टिकरण का चेहरा आपके पास होना ही चाहिए, चाहे वो नकाब ही क्यों। और ध्यान दीजिए तो जातियों को लेकर संसद में जितने भी मुद्दे बीते 10 बरस के दौरान उठे उसमें 62% मुद्दे दलित मुस्लिमों से ही जुड़े हुए थे। और जो संसद दलित मुस्लिम को लेकर बेचैनी पाले हुए नजर आती है उसी के अक्स में दलित मुस्लिमों की आर्थिक सामाजिक हालातों को परखना जरूरी है। तो पहले ये समझ लें, लोकसभा के 82% तो राज्यसभा में 84% सांसद करोड़पति हैं। और करोड़पतियों को जब दलित मुस्लिमों को लेकर नीतियां बनानी हो तो कौन से हालात उभरेंगे, आइए इसके लिए सबसे पहले दलितों के सवाल को परखते हैं। क्योंकि खास तौर पर दलित युवा जिसके पास कोई ठोस काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, और सरकार के पास भी उन्हें लेकर 2 बरस पुराना आंकड़ा है और उसी के मुताबिक 2015-16 में 2,30,00,000 दलित बेरोजगार थे। और दूसरी तरफ मुंबई की स्वतंत्र रिसर्च संस्था CMIE के मुताबिक 2018 में दलित बेरोजगारों की तादाद 8 करोड़ है। दलितों के ये हालात सिर्फ बेरोजगारी तक नहीं रुकते बल्कि जीने के हालात ऐसे कि 54.71% दलितों के पास गजभर की जमीन तक नहीं, यानी कहीं काम मिल जाए तो 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाए। और देश में 16% आबादी है दलितों की, पर सरकारी नौकरी में सिर्फ 3.95% दखल है। 83% दलितों की आय 5,000 रुपए महीने से भी कम, और 89% दलितों के पास 2 पहिया गाड़ी भी नहीं। तो इस परिवेश में पलते बढ़ते दलित बच्चे जब वोट डालने की दहलीज पर पहुंचते होंगे तो जिंदगी जीने के कौन से विकल्प उनके पास होंगे और उन्हें सियासत कौन कौन से लोभ देकर सड़क पर लाती हो। और उस लोभ की कीमत क्या होती होगी, ये ऐसे सवाल हैं जो चुनावी राजनीति करने वालों की चौखट पर दलितों को प्यादा भी नहीं बनने देते। और शायद यही वजह है महज 1.8% दलित आदिवासी उच्च शिक्षा पाने की स्थिति में इस देश में आ पाते हैं, अन्यथा दलितों के सारे सवाल तो सियासी नारों में गुम कर दिए जाते हैं। और जो दलित पढ़ लिख कर सवाल उठाने की स्थिति में आता है उसे किन हालातों का सामना करना पड़ता है, ये रोहित वेमुला की खुदकुशी या चंद्रशेखर के जेल में जाने की स्थिति या जिग्नेश मेवानी का संघर्ष करते हुए विधायक बनने से समझा जा सकता है। यानी रास्ता सियासत की गलियों में गुम होगा और इसकी गारंटी चुनावी लोकतंत्र ने ले ली है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।